लापरवाही गलती और गुनाह में जैसा फर्क होता है वैसा ही नालायकी और बेशर्मी का होता है, मगर लगता है कुछ विभाग के अधिकारी सारे स्तरों को पार करके कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। लोगों को असुविधा हो या लोगों की जान जाए, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगने लगा है। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार कोई सीरियस समस्या अधिकारियों को बताने के बाद भी उनके कान पर अगर जू मिना रहेंगे तो ये चिंता का विषय है। हम बात कर रहे हैं वरुणा नाका चौक पर कई सालों से हो रही यातायात समस्याओं के बारे में, जिसके बारे में हमने और दूसरे मीडिया ने कई बार समाचार लगाए, कई सामाजिक और राजकीय पक्षों से कई बार सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक पुलिस, RTO, PWD और अन्य संबंधित अधिकारियों को निवेदन दिया और आंदोलन का इशारा दिया, फिर भी कोई भी नेता या अधिकारी टस से मस नहीं हुआ। इसके चलते ये दर्जनों जाने गई हैं और सैकड़ों गंभीर जख्मी हुए हैं। हर बार कोई टेम्पररी समाधान कर दिया जाता है और वहां नई समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे ही एक डिवाइडर के चलते अब तक 10 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें पिछले 10 दिन में 3 से 4 दुर्घटनाएं हुई हैं, मगर इस और किसी का कोई ध्यान नहीं है। खास बात यह है कि इस रास्ते से विधायक, जिलाधिकारी, आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक पुलिस, RTO, PWD और अन्य संबंधित अधिकारी इस रास्ते से रोज गुजरते हैं। आज दिनांक 16 अप्रैल रात के 1 बजे है। आप देख सकते हैं कि एक और ट्रक वरुणा नाका पर इस डिवाइडर की बलि चढ़ चुका है और ये पिछले 8-10 दिनों में तीसरी दुर्घटना है, मगर प्रशासन, पुलिस, महानगर पालिका, ट्रैफिक, इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। शायद किसी की जान जाने की ये इंतज़ार कर रहे हैं और ये ऐसा डिवाइडर बनाया गया है जो दिखाई भी नहीं देता, ना ही इसके सामने कोई रिफ्लेक्टर है, ना ही कोई सिग्नल दिया है। अंदर जाना है वो अंदर जा सकता है, जिसको जाना ऊपर अपन सेम टू ऐसा जाना चाहिए। ये गाड़ी का ड्राइवर कहाँ गया? वो नहीं है भाई, चला गया। किसकी गाड़ी है वो? गाड़ी है देवरी गाड़ी है। तो आप ही के कंपनी की है क्या? हाँ, कंपनी तो एक ही है। अच्छा, लेकिन ड्राइवर अलग अलग। तो ये रास्ता गलत बनाया, डिवाइडर गलत बनाया है? सरकार ने गलत बनाया है। गलत बनाया है? हाँ, ये रोड वाले जिसने रोड लिया है, भाई टोल का पैसा लेता है, मनमानी छोड़ रोड को गलत बनाया। इससे पहले यहाँ पे ये ट्रक एक पलटी भी हुआ था, तो शायद प्रशासन किसी की जान जाने की राह देख रहा है और ये अधिकारी इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब ये ट्रक इस तरह से निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कल रात को 1 बजे हुआ वाला ये एक्सीडेंट है, आप देख सकते हैं ट्रक किसी सामान से पूरी तरह से भरा हुआ था, अब उसे पहले खाली किया जा रहा है, जिसके बाद इसे यहां से निकाला जाएगा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना।
इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461997207556199। माना पालाचा ना त्यागो त्याचा पसारा लई बाई वढला रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यांनी उतारा काढला लगीन घाई सुचू न दे खरे दिने पना काढला खरे दिला वरसी दिने उत्साह नवा आणला बांधला बसका बांधला